नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बड़वानी जिला अस्पताल में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो आपस में जुड़े हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है आपस में जुड़े हुए दोनों बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक सलावत के पास ग्राम रहगुन निवासी महिला अनीता पति आशु ने इन दो बच्चों को जन्म दिया। दंपति गुजरात में मजदूरी करने का काम करते हैं। जो डिलीवरी के लिए रहगुन आए थे, महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिणिमाता लेकर पहुंचे, जहां से महिला एवं प्रसूति जिला चिकित्सालय बड़वानी में भर्ती करवाया, जहां महिला ने ऑपरेशन से जुड़े हुए दो बच्चों को जन्म दिया। दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म के समय वजन 3.600 ग्राम था। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने के कारण इंदौर रेफर किया। बड़वानी जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार जिले का यह पहला मामला उनके सामने आया। हालांकि उच्च स्तरीय जांच और उपचार के लिए जुड़े बच्चों को इंदौर रेफर किया। वहीं बच्चों के दादा ने प्रशासन से जुड़वा बच्चों के ऑपरेशन के लिए उपचार की मांग की है। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण आवासिया है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बड़वानी। सर, रात को एक डिलीवरी हुई है, दो बच्चे ट्विन आए, क्या मामला सर? रात में SNCU में मेरी ड्यूटी थी, तो रात में 12:09 पे एक अनिता करके बेबी ऑफ अनिता का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कॉन्जेक्टिविटी करके बच्चा हुए हैं। दोनों जिनकी छाती एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो उनको ऑपरेशन होने के बाद उनको स्टेबल करके SNCU में शिफ्ट करा गया। स्टेबल होने के बाद उनको इंदौर वर्कअप के लिए सर्जरी प्लान और उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए इंदौर रेफर करा गया। ऐसे केसों को क्या मानते हैं सर? ये बहुत रेयर केस है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। जीने की संभावना कितनी क्या होती है? सर्जरी सक्सेसफुल कितनी होती है उस पर डिपेंड करेगा। सर, रात में ड्यूटी पे थे, किसी क्या इनकी धड़कन है या कुछ ऐसे? धड़कन वगैरह तो मेंटेन कर रहे थे, SPO2 वगैरह भी मेंटेन कर रहे थे। अब पर ये जो है कितना अंदर वर्कअप होने के बाद ही क्लियर होगा कि स्टेबिलिटी कितनी बन पाएगी। थैंक यू सर। बड़वानी जिला अस्पताल में महिला ने आपस में जुड़े दो बच्चों को दिया जन्म। हालत गंभीर होने पर इंदौर किया गया रेफर। इधर डॉक्टरों के अनुसार बड़वानी जिले का यह पहला मामला आया सामने। बड़वानी जिला अस्पताल में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है जो आपस में जुड़े हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आपस में जुड़े हुए दोनों बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं। जानकारी के मुताबिक सिलावत के पास ग्राम रेगुन निवासी महिला अनीता पति आशु ने इन दो बच्चों को जन्म दिया है। दंपत्ति गुजरात में मजदूरी करने का काम करते हैं। जो डिलीवरी के लिए ग्राम रेगुन आए थे, महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेणिमाता लेकर पहुंचे, जहां उन्हें महिला एवं प्रसूति जिला चिकित्सालय बड़वानी में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने ऑपरेशन से जुड़े हुए दो बच्चों को जन्म दिया। दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म के समय वजन 3.6 किलो था। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने के कारण उन्हें इंदौर MY रेफर किया गया है। वहीं बड़वानी जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार बड़वानी जिले का यह पहला मामला है जो उनके सामने आया है। हालांकि उच्च स्तरीय जांच व उपचार के लिए जुड़े बच्चों को इंदौर रेफर किया गया है। वहीं बच्चों के दादा ने प्रशासन से जुड़वा बच्चों के ऑपरेशन और उपचार की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।